नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिद्धू ऑटोमोटिव में। दोस्तों, इस चैनल पे हम आपकी कार से रिलेटेड वीडियोस लेके आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके कार के टायर में डाली जाने वाली नाइट्रोजन के बारे में। हमारे लोगों में कार के टायर में डाली जाने वाली नाइट्रोजन को लेकर काफ़ी सारे मिथ्स पाए जाते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आपको इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या इसके बारे में सिर्फ मिथ्स ही पाए जाते हैं। तो हमारी आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे लोगों में पहला मिथ ये पाया जाता है कि आपके कार के टायर में नाइट्रोजन डालने से उसकी परफॉर्मेंस में काफ़ी सुधार आ जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कार का टायर में नाइट्रोजन डालने से उसकी परफॉर्मेंस का और उसकी पिकअप वगैरह का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप अपनी कार के टायर में रेगुलरली एयर का प्रेशर चेक नहीं कराते हैं तो हो सकता है पहले उसमें कोई प्रेशर कम हो, और जब आप नाइट्रोजन डालते हैं तो उसमें एयर का प्रेशर सही होने के कारण आपको लगता है कि आपकी कार के टर्न होने में काफ़ी इजी हो गई है और उसकी परफॉर्मेंस पिकअप वगैरह काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। वो तो सिर्फ आपके जो आपके मैन्युफैक्चरर आपको एयर का प्रेशर रिकमेंड करता है। अगर आप टायर में उतनी नाइट्रोजन डालेंगे और उतनी ही एयर डालेंगे तो दोनों में परफॉर्मेंस लगभग एक जैसी आएगी। हो सकता है एक बार आपको पहले पहले फ़ायदा लगे, लेकिन जब आप रेगुलरली चलाएंगे तो उसमें कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा। तो ये आमतौर पर हमारे लोगों में ये मिथ पाया जाता है कि ये नाइट्रोजन हमारी कार के टायर की परफॉर्मेंस को काफ़ी सुधार देती है। लेकिन एक और मिथ हमारे लोगों में ये पाया जाता है कि आपके कार के टायर में नाइट्रोजन डालने से आपकी कार का टायर कभी फटता नहीं है, और उसके साथ ही आपका टायर का टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बात में तो थोड़ा दम है कि आपकी कार का टेम्परेचर, कार के टायर का टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। लेकिन अगर कार के टायर के फटने की बात करें तो उसमें ऐसा है कि आपकी कार का टायर कभी भी आसानी से जल्दी जल्दी फटता नहीं है। या तो आपकी कार के टायर में एयर प्रेशर जरूरत से ज़्यादा हो, और जहाँ काफ़ी कम होने के कारण ही आपकी कार का टायर फटता है, वैसे रेगुलरली आपकी कार का टायर फटने के चांसेस बहुत कम होते हैं। आप अगर किसी अच्छी कंपनी का टायर अपनी कार में लगवाते हैं तो उसके मैन्युफैक्चर के अकॉर्डिंग अगर आप उसमें एयर का प्रेशर डालते हैं तो उसके फटने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। और दूसरा ये है, अगर आप देखें कि हमारी कार के टायर में जब हम नॉर्मल एयर डालते हैं, आपको पता होगा उसमें भी 78% तक नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन और 1% कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर उस नॉर्मल एयर में भी 78% नाइट्रोजन है तो फिर 20% और नाइट्रोजन डालने से कोई उसके फटने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। वैसे भी अगर आप अपनी कार के टायर में एयर प्रेशर मेंटेन करते हैं तो उसको फटने की संभावना बहुत कम रहती है बगैर किसी एमरजेंसी। देखिए दोस्तों, ये जो कार कंपनीज वाले टायर, अच्छी कंपनी अपोलो, MRF और ब्रिजस्टोन वगैरह, ये जो टायर मैन्युफैक्चर करते हैं, ये इस अकॉर्डिंग करते हैं कि आपकी कार की परफॉर्मेंस अच्छी से अच्छी रहे और आपकी कार का टायर सभी कंडीशन में बड़े अच्छे से चले और कोई फटने वगैरह की दिक्कत ना आए। आपकी कार का टायर तभी फटता है जब आपकी कार में एयर का प्रेशर, कार के टायर में एयर का प्रेशर उसकी रिकमेंडेशन के मुकाबले बहुत ज़्यादा हो जाए, और अगर जहाँ बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए और पंक्चर हो जाए तभी भी आप उसे चलाते रहो, तभी आपकी कार का टायर फटता है। नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में टायर के फटने की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए नाइट्रोजन डालने से ऐसा नहीं है कि आपकी कार का टायर बिल्कुल नहीं फटेगा और नॉर्मल एयर से फटने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसमें बहुत ज़्यादा मिनिमम चांसेस होते हैं कि आपको कुछ ऐसा इंसिडेंट का सामना करना पड़ सकता है कि आपकी कार का टायर नॉर्मल एयर डालने से जल्दी से जल्दी। और दोस्तों, हमारे लोगों में एक मिथ ये भी पाया जाता है कि कार के टायर में नाइट्रोजन डालने से कार के रिम और या लाए के अंदर हिस्से में, जिसको हम रस्ट कहते हैं या जंग कह देते हैं, वो नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं है। आजकल की मॉडर्न कार के रिम्स और लाइज में इतना अच्छा पेंट किया होता है कि वो जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और रही बात नाइट्रोजन डालने से उनके ख़राब होने की, तो मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन कार के अंदरूनी हिस्से में डाली जाती है, और जो रस्ट वाला पार्ट होता है वो कार के टायर के जो बाहर ले साइड होता है
वहाँ पे लगती है और उस पे या वहाँ पे नाइट्रोजन का कोई प्रभाव नहीं होता है। और साथ ही मेरे पास भी स्विफ्ट डेयर है, वो 2010 मॉडल है, और अभी तक उसके टायर के किसी भी रिम में कोई रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम मेरे को नहीं आ रही है। अभी मैं ट्यूबलेस टायर डालता हूँ। तो देखिए, इसमें ये सिर्फ एक मिथ ही है कि कार के टायर में नाइट्रोजन डालने से उसके रिम या लाइक में रस्ट वगैरह की प्रॉब्लम आ जाती है, और नाइट्रोजन डालने से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ये सिर्फ एक मिथ ही पाया जाता है। और नाइट्रोजन की एक ये भी बात है कि नाइट्रोजन आपको किसी भी छोटे शहर में या रूरल एरिया में काफ़ी आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, जबकि नॉर्मल एयर को आपको किसी भी पेट्रोल पंप पे या पंक्चर वाले की दुकान से आप आसानी से उसे फिल करवा सकते हैं और उसे टॉप अप भी करवा सकते हैं। आपको नाइट्रोजन आपके टायर में भरवाने के लिए किसी बड़ी सिटी में जाना पड़ता है और इसके लिए आपको 100 से 150 रुपये अपनी जेब से रुपए भी देने पड़ते हैं। और आप खुद ही देखिए, अगर आप 15 से 20 दिन के बाद अपनी कार में नाइट्रोजन को टॉप अप करवाते हैं या फिल करवाते हैं, तो आपको महीने में 200 से 250 रुपया लगभग आपकी कार के टायर में एयर को डालने का ही देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल एयर आपको सिर्फ पेट्रोल पंप में तो फ्री में मिल जाती है, आप किसी नॉर्मल शॉप से भी 20-30 रुपये में उसको फिल करवा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि ये थोड़ी सी नॉर्मल हवा के मुकाबले महंगी पड़ती है, लेकिन उतना इसका कोई बेनिफिट वगैरह आपको नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें नाइट्रोजन के बारे में, कि नाइट्रोजन के बारे में हमारे लोगों में आमतौर पे क्या मिथ पाए जाते हैं। और अभी मैं आपको कुछ एक दो फायदे गिनाना चाहता हूँ। ऐसा भी है नाइट्रोजन के सभी नुकसान ही या कोई मिथ ही पाए जाते हैं, कुछ फ़ायदा भी है हमें नाइट्रोजन का। जैसे कि अगर आप रोड पे ज़्यादा गर्मियों में बहुत लंबी दूरी तक का आपको रोड में चलना पड़ता है, जैसे 300 से 400 किलोमीटर आप बिना रुके लगातार बड़ी रोड पे चलते हैं, आपकी बड़ी गाड़ियां हैं, जैसे आप कोई ज़्यादा वजन वगैरह लोड करते हैं गाड़ी में, तो आपको नाइट्रोजन का फ़ायदा हो सकता है उस तरीके में। तो आपको नाइट्रोजन टायर में फिल कराने से कुछ एडवांटेज मिल सकता है। वरना अगर आप लॉन्ग ट्रिप कभी कभार करते हैं और वैसे ही अपनी गाड़ी को नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो आपको नाइट्रोजन का ज़्यादा कोई भी एडवांटेज नहीं है। आप नॉर्मल एयर से भी अपनी कार को उतने ही अच्छे से परफॉर्मेंस ले सकते हैं जितना कि आपको नाइट्रोजन से मिलेगा। नाइट्रोजन को लेकर ये जो नाइट्रोजन फिल करने वाले हैं वो हमारे लोगों को बहुत सारे धोखे में रखते हैं कि आपको नाइट्रोजन डालने से ये हो जाएगा, नाइट्रोजन डालने से आपकी कार के टायर में ये जो एयर है ये काफ़ी कम रिसाव होता है। देखिए दोस्तों, जहाँ तक टायर से एयर का रिसाव होने की बात है, तो टायर में एयर का रिसाव जब आपकी कार पंक्चर होगी तभी होगा, वरना आपकी कार के टायर में से एयर का रिसाव नहीं होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ मिथ्स नाइट्रोजन को लेकर हमारे लोगों में जो आम पाए जाते हैं। तो यही मैं आपसे शेयर करना चाहता था, जो मैंने नॉलेज कुछ दिनों से प्राप्त की और मैंने अपनी कार के टायर में पिछले साल भी और इस साल भी नाइट्रोजन को फिल करवा कर देखा गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों, मैं आपसे अपनी नॉलेज शेयर की। अगर आपको भी नाइट्रोजन के बारे में कोई और बात हमसे शेयर करनी हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, हमारे चैनल को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।